हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ गीता गुजरात से और वेलकम करती हूँ आपको अपने ही यूट्यूब चैनल गीताज ग्रीन गार्डन में। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के साथ वीकली अपडेट शेयर कर रही हूँ। आज है संडे और वीकली अपडेट शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने आप लोगों के साथ टेरेस गार्डन का वीकली अपडेट शेयर किया था और ये मेरा नीचे वाला गार्डन है। देखिए फ्रेंड्स, मधुमालती कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। और ये है मेरे गमले रखने का स्टैंड जो मैंने आयरन से बनवाया था, क्योंकि बारिश की वजह से गमलों के नीचे बहुत सारी चींटियाँ और कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने सारे ही गमलों को नीचे उतार लिया और उसकी मैं अच्छे से सफाई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो वॉल है उसके नीचे बहुत ही मिट्टी और कीड़ियाँ हो गई थी, तो वॉल को मैं अच्छे से धो रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और जो नीचे का स्टैंड है उसे मैं अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी कपड़े से। कपड़े को गीला करके दो बार साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लग गई है। बारिश की वजह से मैंने सफाई नहीं की थी और अब कर रही हूँ। बारिशें बंद हो गई है। और आप लोगों के साथ मैं आज दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, एक तो वीकली अपडेट और दूसरा है होममेड फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत ही काम का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से सफाई कर दी है और मैं अब गमलों में यानी कि प्लांट्स में फर्टिलाइज करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है हिट कंपनी का चॉक जो मैं वॉल के ऊपर लगाऊंगी, जिससे कि चींटियाँ वगैरह ना आए। उसे हम हल्का सा गीला कर लेंगे ताकि अच्छे से वो लग सके। हल्का सा गीला करने के बाद वॉल पर आप इस तरह से कोई भी पैटर्न बना ले या राउंड राउंड कर ले ताकि थोड़ा ज़्यादा लग जाए। लगाने के बाद देखिए, ये मेरा पिंक कलर का डबल पेटल का हिबिस्कस है। देखिए फ्रेंड्स, ये है पिंक कलर का हिबिस्कस का मेरा फ्लावर, और इसे मैं आज अच्छे से फर्टिलाइज़ करने वाले हैं। फर्टिलाइज़ करने के पहले हम अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अगर आपकी छोटे छोटे रूट्स कट जाती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिबिस्कस में हमेशा ही रूट रोट की प्रॉब्लम होती रहती है। तो फर्टिलाइज़ करने के लिए हमें मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी है, और गुड़ाई करने पर छोटी छोटी रूट्स कट भी जाती हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें अब डाल रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, हाफ टी स्पून मैंने एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट लिया है। महीने में एक बार आप इसे अब ज़रूर ही डालें। और हाफ टी स्पून है मस्टर्ड केक का पाउडर। मैंने मस्टर्ड केक जो मिल जाती है ऑनलाइन, उसे मैंने पाउडर फॉर्म में मिक्सर में पीस के रखा हुआ है। और हाफ टी स्पून लूँगी मैं थ्री वीट ग्रैन्यूल्स। जो ग्रैन्यूल्स जो आते हैं हम मिट्टी में डाल देते हैं, और लिक्विड फॉर्म में जो आता है हम उसे स्प्रे कर सकते हैं। और एक चम्मच भर कर मैं लूँगी नीम की यानी कि नीम की खली, और इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, महीने में एक बार आप ये सारे ही प्लांट में इस तरह से फर्टिलाइज़ कर रही है। बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, इससे प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहती है। फर्टिलाइज़ करने के बाद हम इसे अच्छे से पानी डाल देंगे, पूरी नीचे से ड्रेन आउट होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक लीटर की बोतल में हाफ टी स्पून से भी कम आप लिक्विड सीवीड्स डालिए, और हाफ टी स्पून डालिए आप मैग्नीशियम सल्फेट, और उसे अच्छे से मिलाने के बाद आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पूरे ही प्लांट में अच्छे से स्प्रे अच्छे से कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे ही प्लांट में अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे जो जो गमले प्लांट्स में मैंने फर्टिलाइज कर दिया है उसे ऊपर रखते जा रही हूँ, यानी कि अरेंज कर रही हूँ मैं। और इस तरह से मैंने पूरे ही प्लांट को अरेंज कर लिए हैं, और जो जगह खाली रह गई है वो मेरे खाली गमले हो गए उसकी है। और ये देखिए मधुमालती का फ्लावर कितना ही अच्छा लग रहा है, देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। लाइक करना शेयर करना तो बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से ग्रो कर रही है मधुमालती, क्योंकि अभी धूप बहुत ही तेज़ हो गई है। और इस जगह पर मैं गर्मी में नेट लगाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे नेट ना लगानी पड़े, ग्रीन नेट, और ये अपने आप ही पूरे एरिया को कवर कर ले। और यहाँ पर मैंने मनी प्लांट की हैंगिंग बास्केट लगा रखी है, जो मैंने खुद ही मानसून में कटिंग से तैयार की थी। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे लग रहे, कितना भरा हुआ लग रहा है ये बास्केट, और पत्ते ही पत्ते आपको दिखाई देंगे इसमें, ब्रांचेस तो आपको दिखाई नहीं देगी। और ये मैंने वेस्ट ऑयल कैन से बनाया था गणेशा, और उसमें भी मैंने मनी प्लांट की ही कुछ कटिंग लगा रखी है, जो भी अच्छे से ग्रो कर रही है। और कितने अच्छा ग्रोथ इसने ले लिया है।
देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में नीचे है राइस बैग, यानी कि जो चावल की बोरी आती है उसी का मैंने कॉर्न प्लांटर बनाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखा है और यह मोगरा यानी कि जासमिन का प्लांट, इसे भी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है क्योंकि मैं अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसमें मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग करके फर्टिलाइजर कर दिया है। इसी के पास में रखा हुआ है क्रोटन, क्रोटन तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। देखिए क्रोटन, ये मैंने सारी इसकी ब्रांचेस कट कर दी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करी है। और इसी के पास में है क्रोटन, क्रोटन मैंने तीन किस्म के क्रोटन मैंने मिक्स मैच करके एक ही उसमें लगा रखे हैं, एक ही गमले में लगा रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रखी है। और ये फिर से है मेरा जो प्लांटर, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। और देखिए मेरे कुछ गमले खाली हो गए हैं, जो पोर्चुला का यानी कि ऑफिस टाइम होते हैं वो अब ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने उसकी कटिंग नेक्स्ट ईयर के लिए कर ली है और उसकी मिट्टी को अच्छे से मैंने धूप में सुखा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, और अब हम आते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, होममेड फर्टिलाइज़र बनाएंगे हम। तो उसके लिए मैंने एक गिलास पानी गैस पर चढ़ा रखा है, और ये है कुछ 3-4 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियाँ, और 100 ग्राम के आसपास यानी कि एक मुट्ठी भर के हम लेंगे सहजन की पत्तियाँ। हाँ, ये ही इस वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट्स है। सहजन की पत्तियों में बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ अलग ही एक वीडियो शेयर करूँगी। और एक अदरक का टुकड़ा लूँगी और कुछ पत्तियाँ मैं लूँगी कड़ी पत्ते की। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम हरी मिर्च को मोटे मोटा काट लेंगे, उसमें लहसुन अदरक को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में क्रश करें क्योंकि इसे हम अच्छे से, हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए, सिर्फ क्रश करना है। क्रश ऐसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि हमें इस पानी को उमालना है और फिर इसे छानना है। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने मोटा मोटा इसे क्रश कर लिया है और सारे ही पेस्ट को मैं पानी में डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, और फिर मैं डालूंगी सहजन की पत्तियां, यानी कि हमारे गुजरात में इसे सरगवा कहते हैं, सरगवा की पत्तियां। ये एक मुट्ठी भर के मैं इसे डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें डालूंगी दो कड़ी पत्ता, यानी कि जो 8 से 10 लीफ से दो कड़ी पत्ता के लीफ डाल दूंगी मैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इन कड़ी पत्ता और सहजन की पत्तियों के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और गैस धीमी आंच पर ही रखना है, हमें सिम में रखना है, और इसे हम अच्छे से ढककर 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये ज़रूरी है कि इसे हम ढककर ही पकाएं, क्योंकि अगर आप खुला रख के पकाएंगे तो इसके सारे ही न्यूट्रंस भाप बन के उड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, और इसके सारे ही न्यूट्रंस पानी में आ गए हैं, इसका पानी भी ग्रीन ग्रीन कलर का हो गया है। और इसे हम ढक कर ठंडा होने देंगे, इसे हमें खुला नहीं रखना है, चाहे इससे जितना भी टाइम ले ले ठंडा होने में, रूम टेम्परेचर पर हमें ढक कर ठंडा करना है। और कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद ये ठंडा हो गया है बिल्कुल, इसे ढक कर ही हमें ठंडा करना है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा ठंडा हो गया है और इसे मैंने छान लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा होममेड फर्टिलाइज़र प्लस पेस्टिसाइड रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसे मैंने 1 लीटर की बॉटल में पानी, 1 लीटर पानी लिया है, उसमें इसे मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो कम भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्लांट ज़्यादा है इसलिए मैंने एक बड़ी बोतल भर के बनाया है। और इसे हम सारे ही प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे। ये है मेरे अंजीर का पौधा और इस पर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स अब लग रहे हैं, तो मैंने इस पर यह स्प्रे कर दिया, इससे इसकी ग्रोथ भी होगी और इंसेक्ट्स भी नहीं आएंगे। और इसे हम तुलसी के ऊपर भी स्प्रे करते हैं। तुलसी जी में हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी जी में हमेशा माइल्स का प्रकोप होता ही रहता है, क्योंकि जिस के यहाँ पर धूप नहीं आती है तो तुलसी जी में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो उसके ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह सारे छोटे बड़े गमले में जो भी मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं सबके ऊपर मैं ये स्प्रे करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री का है, हमारे किचन में ही ये मिल जाते हैं। अगर आपके पास सहजन की पत्तियां नहीं मिलती हैं तो आप कहीं से रोड की साइड में इसके ट्री होते हैं तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मधुमालती का बेल है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।